व्हाट्सअप क्या बोलती बनटाई की पब्लिक, क्या चालू है, क्या बोलते सब लोग। सो मॉर्निंग में निकल लिए हैं अपना ब्लॉग शूट करने के लिए पब्लिक, और फिर चल रहे हैं कॉलेज। भाई साहब आज बहुत मतलब ठंडक पड़ रहा है, तो मतलब ठंडा वैसा कुछ नहीं है, कुछ कोहरा वहरा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन आज मौसम मतलब थोड़ा हवा चल रहा है ना, तो बहुत मतलब ठंडा ठंडा मौसम है। सो चल चलते हैं दोस्त, दो तीन वेट कर रहे हैं, लेट भी हो रहा है। लुक एट दैट व्यू भाई साहब, आज मौसम कुछ ऐसा दिख रहा है, सूर्यदेव मतलब थोड़ा बहुत निकल रहे हैं लुक इट, लेकिन बादलों के बीच में छिप जा रहे हैं। सो भी नाका पे वंस वेट कर रहा है, चलते हैं उसके पास। उसके बाद हरिओम भी आगे वेट कर रहा है, साथ में लेते हैं निकलते हैं सब लोग। चुके हैं वंस के पास, सभी वंस को साथ में लेते हैं निकलते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि भाई साहब बहुत लेट हो रहा है। 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10 मिनट के टाइम में निकलते हैं, क्योंकि अभी 500 मीटर से ज़्यादा मतलब हम चलना है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं जो भी है। भाई साहब हवा एक नंबर चल रहा है, लुक एट दैट यार, देखो पत्ते वत्ते सब उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पेड़ों को देखो बताएगा क्या। लुक एट दैट क्राउड यार, आज कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, एक नंबर एक नंबर। तो अभी हरिओम आगे वेट कर रहा है, उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद में मतलब साथ में लेते हैं फिर चलते हैं। बीच से होके जाते हुए वनटाई के पास, वो रहा सामने अपना पुराना अड्डा जहाँ हम लोग वनटाई का वेट करते हैं, अभी आया नहीं है और कॉल पे बता रहा था कि मैं आ गया हूँ, आ जाओ तू लोग। सो अभी देखो कितना देर वेट करवाएगा, तो चलो चलते हैं देखते हैं। क्लास हो चुकी है ऊपर, मैंने आज कुछ पढ़ा रही थी, क्लास हो चुका है ऊपर, चलो चलते हैं बाहर देखते हैं। सब अपनी क्लास चल रही थी पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में, चल रहे हैं मेडिकल बिल्डिंग में, वहाँ पे अपना किसी का क्लास चलता है। सो अभी हम लोग का फर्स्ट पीरियड ख़त्म हो चुका है, उसके बाद क्लास सर का लाइव है, 2 घंटे लाइव रहेगा, उसके बाद फिर लंच हो जाएगा, लंच के बाद फिर वकास सर का पीरियड है, वकास सर के पीरियड के बाद फिर ओपन सर का पीरियड है, उसके बाद फिर मैथ का क्लास होगा। रास्ते से होकर हम लोग मतलब जाते हैं उस वाली बिल्डिंग में जो सामने दिख रहा है आप लोग को बिल्डिंग, उसी में मतलब हम लोग का लाइव है। सो देखो आगे आगे बच्चे सब जा रहे हैं, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं, सबसे आगे डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्टर्स सबसे पीछे चलते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, आगे जा रहे हैं सब अपने क्लास वाले। भाई साहब अपना क्लास वाला हो चुका है ओवर, वो मतलब ये वाला क्लास चुका है, लाइव वाला था 2 घंटे का, आज 2 घंटे नहीं 3 घंटे हम लोग लाइव किए हैं और हो चुका है ओवर। अब हम वनटाई अभी जा रहे हैं थोड़ा फील्ड में, धूप का विटामिन डी लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, चलो चलते हैं फील्ड में। भाई साहब एक नंबर हवा चल रही है यार, माहौल देखो गाइस, एक नंबर व्यू आ रहा है यार, फील्ड में दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है यार। एक अंकल जी वहाँ पर खड़े होकर धूप का आनंद ले रहे हैं, वो हम लोग भी चलो चलते हैं देखते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। यार डजेंट है मनी यार ब्रो, मनी हो जाएगा ना, चलो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं भाई साहब, क्योंकि हरिओम भाई को कुछ भूख लगी है, सो अभी हरिओम भाई कुछ पार्टी वार्टी देंगे, चलो चलते हैं देखते हैं। अरे यार भाई साहब हवा यार एक नंबर चल रही है यार, आज पवन देवता मेहरबान है हम लोग के ऊपर, पता नहीं क्या 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 नहीं है। वो सामने दिख रही है कैंटीन, इस साइड से चल रहे हैं अभी, ते पीते हैं, थोड़ी भूख लग गई है, कुछ ज़्यादा भूख लग गई है यार, कहते हैं आप लोग को। हेलो हो चुका है खत्म, कैंटीन वेंटीन से खा के आ चुके हैं, और आ चुके हैं बंटाई वाली गली में, और अब जा रहे हैं मतलब हरिओम के रूम पे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने रूम के लिए। सो भाई साहब अभी आए थे हुए थे बंटाई के रूम पे, अब यहाँ से निकलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं रास्ते का, थोड़ा ब्लॉग शूट करेंगे, उसके बाद जाएंगे रूम पे, बंटाई जा रहा है गाँव पे। सो यहाँ से चलो चलते हैं देखते हैं जो भी है। सो अभी भाई साहब निकल दिए हैं यहाँ से हरिओम के रूम से, और नाका साइड चलते हैं, हरिओम का सवारी पे बैठाना है, उनके सवारी पे बैठा के गांव साइड मतलब भेज देना है, उसके बाद हम लोग मैं चल रहा हूँ अपने रूम पे भाई साहब। सो चलो चलते हैं, फाइनली गाइस आ चुके हैं नाका बाईपास से, और यहाँ से अभी राइट हैंड साइड पे हम लोग को जाना है दिशा कोचिंग के पास। हनुमान जी की मूर्ति मैंने एक नंबर लग रहा है यार, अभी इसका थोड़ा काम हम चल रहा है यहाँ पे, और मेंटेन हो जाएगा तो और बढ़िया लगेंगे। सो भाई लुक एट दैट व्यू यार, यहाँ पे आने के बाद लगता है हम अयोध्या में हैं, नहीं लगता तुमको, लेकिन साफ सफाई ध्यान देना चाहिए। हाँ देख रहे हो हवा का नज़ारा कितना मेंटेन है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, लेकिन मतलब राजनीति से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मेंटेन करवाना चाहिए, गर्दा कुछ ज़्यादा ही है भाई फैजाबाद साइड, अयोध्या में नहीं, अयोध्या में थोड़ा कमी है, लेकिन ये देखो जिसने भी पेंटिंग बनाई है मतलब मज़ा आ गया यार, मज़ा बढ़िया बनाया, नहीं बनता लगता कौन कौन सी जंग जीतने के बाद सीता जी जो है आई थी, कहाँ कहाँ संघर्ष किए थे राम लक्ष्मण भगवान जो है। ये मूसक क्या कर रहा है बंटाई वहाँ पे पैर के पास, वो भी मतलब पत्थर वो कर रहा है क्या,
यहाँ हनुमान जी बैठ के लिख रहे हैं राम राम। तो भी वहाँ जो सामने एकदम लास्ट में दिख रहा होगा, पता नहीं आप लोग को उतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहाँ लास्ट में निकाह जा रही है वहाँ लास्ट तक हम लोग को जाना है। अभी अभी हमको वहीं पर मिलेगा मतलब गाड़ी, वहीं से फिर बैठेंगे निकलेंगे फिर। भाई साहब छोटा मंडल, भाई साहब ये जस्ट बगल में जो दिख रहा है हाईवे के जस्ट बगल में गुरुदेव होटल, गुरुदेव पैलेस एवं लॉन, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब है फैजाबाद का लॉन। बुक कराते हैं शादी वादी के लिए, मतलब जो है बुक कराते हैं इसको। यहाँ पे जस्ट बगल में जो एक मतलब ये हॉस्टल दिख रहा है, यहाँ पे अपने छोटू भाई एक मतलब दोस्त है वो रहता है। सो वही चलो चलते हैं, यहाँ को सवारी बैठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं रूम के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम भी। भाई साहब ये रहा अपना लोकेशन जहाँ से हम लोग सवारी पकड़ते हैं, ये रहा दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ ISBCS मतलब SSC लेवल की, UPSC लेवल की हर तैयारी की करवाई जाती है। वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है मतलब फैजाबाद का। यहाँ जो अगर कोई मतलब बढ़िया कोचिंग है तो यही है भाई। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ का मतलब नॉर्मली हमेशा चलता रहता है, मैं इसमें कोचिंग कर चुका हूँ। सो ये रहा यहाँ से जस्ट सामने से हम लोग मतलब सवारी पकड़ते हैं, अभी वेट करना है बस का, आता है कोई बस हरियों को बैठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। उस साइड से मुझे जाना है, उधर ही साइड तो भी हरियों को बैठाते हैं सवारी पर, उसके बाद निकलते हैं यार। खड़ा हो के जाए भाई साहब, क्या बोले बंटाई, खड़े होके चले जाओ ना, वो जैसे टाइम लगेगा अभी हो सके, पता नहीं ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे खड़े होकर बंटाई के लिए वेट कर रहे हैं भाई साहब। लोग इधर दो चिविले लड़के हमारे मतलब आनंद ले रहे हैं भाई साहब। अरे मिनट आए तो कितना देर में रुकोगे यहाँ पे? हाँ दो नमूने को देखो, दो पंटर साहब दाइर जय एंड वीरू, हरिओम लोग इधर जय एंड वीरू मचा रहे हैं, इधर उधर दिखा रहे हैं पब्लिक को। सो अभी ये तो जाने वाली नहीं है बंटाई, इसमें जगह नहीं है, तो बंटाई अभी इसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी दूसरी सवारी का वेट करते हैं, मतलब आ रही है दूसरी, उसके बाद उससे निकलेंगे। हाँ क्या है यार, कुछ ज़्यादा धूल उड़ रहा है यार भाई साहब, कोई एक्सप्रेस एक्सप्रेस करके है, देखते हैं इसमें जगह वगैरह है कि नहीं, उसके बैठते हैं। भाई साहब अकबर पर साइड जाने वाली है, छावनी वाली नहीं है। हाँ पता नहीं आज मौसम को क्या हुआ यार, पूरी इतना धूल, इतना मतलब मिट्टी सब ज़्यादा उड़ रही है। ये कह रहा था मतलब दिशा में एडमिशन के लिए UPSC का एडमिशन जो है हर मंथली मतलब इन लोग का एग्ज़ाम होता रहता है, आप फॉर्म भरिए उसके बाद एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करिए, अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो आपका लिस्ट मतलब नाम का लिस्ट जो है बाहर बोर्ड पे लग जाएगा, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा आराम से। फीस उस आई थिंक अप्रॉक्स UPSC का फीस GS और CSET के लिए मतलब जो है 2000 लगता है, और SSC का भी वही सेम रूल है, सेम फंडा है। सो भाई यही रही थोड़ी बहुत जानकारी जितना मैं जानता हूँ, अभी कभी फुर्सत में कमेंट करिएगा तो बताएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल। आगे सवारी में हो रहा बस में बैठ चुका है बंटाई। सो भाई चलो हम भी निकलते हैं अपने रूम के लिए भाई साहब। तो भाई साहब अभी निकलते हैं, तो ऐसा भरियों को सवारी पर बैठा दिए हैं और हम भी मतलब निकल रहे हैं रूम के साइड में। सो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो बाय गाइस, बाय, टेक केयर।